सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं आपको बताऊं, जो मैंने वेल्डर वाली वीडियो बनाई थी लखनऊ पे, उस पे आप लोग का प्यार तो काफी सारा मिला, कमेंट भी काफी अच्छे आए कि भाई आपने जो भी चीजें बताई सारी ठीक है। बट आप ये बताओ, एज अ वेल्डर हेल्पर अगर हमको काम करना हो लखनऊ में तो हम कैसे कर सकते हैं, ये क्या होता है, थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। देखो, अगर आपने वेल्डर से ITI कोर्स नहीं किया हुआ है, ट्रेनिंग कोर्स भी नहीं किया हुआ है, काम भी नहीं सीखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, लखनऊ में जो वेल्डर पहले से काम कर रहे हैं ठीक है, उनके साथ में रह करके एज एन हेल्पर वर्क कर सकते हो। इसको आपका दो फायदा होगा। पहला फायदा तो आपको ये होगा, एक तो आपको काम सीखने को मिलेगा ठीक है, काम सीखने को मिलेगा, और दूसरा आपको पैसे भी मिलेंगे काम सीखने के, तो सबसे अच्छी बात होती है। यही होता है, थोड़ा फिजिकल वर्क पड़ता है इसमें, क्योंकि आप काम सीख रहे हो तो जो भाई आपको काम सिखाएगा वो थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क तो आपसे लेगा ही, ताकि आपको पैसे भी तो दे रहा है ठीक है, काम सिखा रहे हो तो पैसे भी तो दे रहा है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। और एक चीज और, आपको इसके लिए 10th और 12th पास होना चाहिए। मिनिमम 10th पास हो फिर भी ये काम कर सकते हो, 12th पास हो तो और बेटर है, ग्रेजुएशन किए हुए हो तो फिर और भी बेटर है ठीक है। और कई लोग कह रहे थे कि भाई लखनऊ में काम हमको मिलेगा कैसे, तो मैं आपको बता दूं, आप वेबसाइट के थ्रू जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूं। देखो, वेल्डर हेल्पर पे जो लखनऊ में सैलरी मिलती है वो लगभग 12,000 से 15,000 रुपए आपको मिल जाता है 8 घंटे का ठीक है, इतने तक आप कमा सकते हो। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो लखनऊ में तो आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। कई सारे वेबसाइट है इंडिया में जब बेस्ट चल रहे हैं, जैसे Naukri.com हो गया, Indeed हो गया, LinkedIn हो गया, बहुत ही अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपको जॉब मिल जाएगा ठीक है। और इन वेबसाइट को कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वेबसाइट अच्छी है इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक है, लाखों लोग विश्वास करते हैं। तो बस ये सारी चीजें हैं, आपका एज लिमिट इसके लिए 18 साल से ऊपर हो, आपका अपना आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, अपना बैंक अकाउंट हो, ये सारी चीजें आपका होनी चाहिए, और आपका मेडिकल अच्छा हो, शरीर में कोई कमी ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो सबसे पहला जो आपको प्रायोरिटी अपनी समझनी चाहिए वो अपना हेल्थ है। हेल्थ आपका अच्छा रहेगा तो आप कहीं भी कहीं कुछ भी जॉब कर लोगे, तो ये चीज़ें ध्यान देना ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय श्री राम।